अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, डेटा टाइप्स हैं, फिर मूव इंस्ट्रक्शंस के कौन कौन से रूल्स हैं, क्योंकि सबसे बेसिक जो इंस्ट्रक्शन जो बहुत ज़्यादा यूज होती है आपके असेंबली लैंग्वेज के कोडिंग में वो मूव इंस्ट्रक्शन है। तो मूव इंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, एग्जाम्पल्स के साथ उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर ये एल एच एफ और एस सी एच एफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि लोड आपने करने हैं जो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर्स हैं उनको अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर, किस तरह से हम उनको लोड करते हैं। ठीक है, और अगर अकोमोडेटर में वो पहले से आपने लोड कर लिए हुए हैं तो उनको फिर किस तरह से हम दोबारा से रजिस्टर्स के अंदर उनकी वैल्यूज को सेट करते हैं। और लास्ट में हम एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सचेंज करना चाहते हैं या रजिस्टर्स में वैल्यूज को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसको असेंबली लैंग्वेज में किस तरह किया जाता है, उसके रूल्स क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने जो डाटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपने जब प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और हम किस तरह से जो वेरिएबल्स हैं उन्हें डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें डाटा टाइप्स की। तो जो इंटरसेनिक डाटा टाइप है ये मैसम के अंदर जो है वो क्या है कि आपके पास आपने सेट ऑफ वैल्यूज अगर असाइन करनी है वेरिएबल्स को और एक्सप्रेशंस को, उसके लिए जो डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर उन्हें हम इंटरसेनिक डाटा टाइप्स का नाम देते हैं। और जब आप डाटा टाइप्स को लिख रहे हो तो जितनी भी ये जो डाटा टाइप्स हैं, मीन के आपको वेरिएबल जब आप लिख रहे हैं तो जो डाटा टाइप्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, मीन कि आप उनके जब जैसे कि ये डबल वर्ड जो है डाटा टाइप मैंने लिखी, जिसमें मैं साइज बता रहा हूँ कि वेरिएबल का जो साइज है वो डबल वर्ड है। इससे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि बाइट का साइज कितना होता है, ठीक है, वर्ड का साइज कितना होता है, डबल वर्ड का कितना होता है। तो आपने जो है ये पढ़ा था कि 8 बिट्स हों तो वो 1 बाइट होती है। ठीक है, 1 बाइट होती है। और इसी तरह से आपके पास जो बाइट के बाद आपके पास साइज आता है वर्ड का, तो वर्ड का साइज जो था आपने देखा था वो 2 बाइट था, और इसके बाद हमने डबल वर्ड का देखा था वो चार आपके पास 4 बाइट था। तो इस तरह से हम आज इनकी एक लिस्ट भी देख लेंगे जो इंटरसेनिक डाटा टाइप्स जो सम लैंग्वेज के अंदर गिवन है। तो सम लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप्स हम जब लिखते हैं उनका साइज बता रहे थे तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, नॉट कंसर्न, आप उनको इस तरह से डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, डबल वर्ड को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैसम डिफाइंड रसायनिक डेटा टाइप्स ईच ऑफ विच डिस्क्राइब अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन असाइन टू वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन टाइप। तो इन सेट ऑफ वैल्यूज को जो हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन को, इन डेटा टाइप्स को हम नाम देते हैं इंटरसैनिक डेटा टाइप ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज डबल वर्ड फॉर एग्जाम्पल लॉजिकली होल्ड्स एन अनसाइंड 32 बिट्स ऑफ इंटीजर्स। कह रहे कि डबल वर्ड जो है, हम जब एक वेरिएबल का साइज डबल वर्ड आपने डिफाइन कर दिया तो उसके अंदर आप 32 बिट्स जो है वो इंटीजर वैल्यू सेव करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डबल वर्ड का साइज होता है 4 बाइट्स, तो हर एक बाइट का साइज जो है वो 8 बिट्स होता है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 बिट्स बनती है। तो 32 बिट्स जो है वो जब आप एक वेरिएबल का साइज डबल वर्ड आपने डिक्लेयर कर दिया, इट्स मीन के आप उस जो डबल वर्ड का जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें 32 बिट्स की इंटीजर वैल्यू सेव करवा सकते हैं। ठीक है, अनसाइन का मतलब यह है कि वो पॉजिटिव होंगी जस्ट, और इट कुड होल्ड अ साइंड वैल्यू, उसमें हम साइंड वैल्यू मीन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज जो हैं वो 32 बिट की वो सेव करवा सकते हैं। अ 32 बिट सिंगल परसियन रियल नंबर, ठीक है, और अ 32 बिट पॉइंटर्स। तो वो कह रहा है कि जब आप डबल वर्ड को आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसमें हम कौन कौन सी वैल्यू सेव करवा सकते हैं 32 बिट की, वो इंटीजर अनसाइन भी हो सकती हैं, वो इंटीजर साइन भी हो सकती हैं, वो कोई रियल पर सिंगल परसियन वैल्यू भी हो सकती है, वो किसी पॉइंटर को भी हम उसमें सेव करवा सकते हैं। तो ये इसने जो है बताया कि डबल वर्ड में हम 32 बिट की जो वैल्यू सेव करवा सकते हैं। नेक्स्ट, फिर हम जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो आप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या होती है हमारी। और डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट सेट असाइड स्टोरेज इन मेमोरी फॉर अ वेरिएबल विद एन ऑप्शनल नेम। तो कह रहे कि जब आप कोई डेटा टाइप डेफिनेशन जो है वो क्या है कि ये आपको मेमोरी के अंदर स्टोरेज जो है
वो बता रही होती है कि मेमोरी के अंदर स्टोरेज आपकी कौन सी है, जिसे आप वेरिएबल का भी नाम देते हैं। आपने पढ़ा होगा वेरिएबल इज द नेम ऑफ स्टोरेज इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर जब हम स्टोरेज का नेम जहां पर अपनी वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट क्रिएट वेरिएबल्स बेस्ड ऑन इंट्रासेनिक डेटा टाइप्स। डेटा डेफिनेशन हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स। क्या सिंटैक्स होता है? ये जो वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपके पास ब्रैकेट में लिखी है, ऑप्शनल है। डेटा डेफिनेशन का जो नेम है वो ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं। फिर डायरेक्टिव्स है, मीन क्या आप बताएंगे कि उसका साइज क्या है, डबल वर्ड है, बाइट है, ठीक है। और फिर आपके पास इनिशियलाइजर है। इनिशियलाइजर मीन कि आप उसकी वैल्यूज जो है वो बताएंगे कि उस डेटा टाइप की वैल्यू क्या है। जैसे कि मैंने एक डेटा डेफिनेशन की है काउंट की, और उसका मैंने साइज बताया कि इसकी जो टाइप है वो डबल वर्ड है, और इसमें जो मैंने वैल्यूज इसकी इनिशियलाइज करवाई है वो 1 2 3 4 5 है, ये वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है। तो आप यहाँ पर ये जो इनिशियलाइजर है वो एक से ज्यादा जो है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसकी जो काउंट है, लेट्स सपोज कि आप इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 की, इसके अलावा और भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, कॉमा के जरिए सेपरेट करके हम इसको साइन कर सकते हैं डेटा डेफिनेशन के अंदर। अब ये स्टूडेंट, ये टेबल आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, और ये आपको आना भी चाहिए, याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली इंट्रासेनिक डेटा टाइप्स जो हैं। जैसे कि बाइट, अगर सिंपल आप लिखते हैं, इट्स मीन कि आपने 8 बिट अनसाइन इंटीजर, जिसको हम बी स्टैंड फॉर बाइट, ठीक है। तो जब आपने प्रोग्राम लिखना है उसमें वेरिएबल्स का साइज बताना है, तो हमें साइज जो है वो बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए ये है कि हम रूल पढ़ेंगे अभी जब मूव का, कि साइज जो है वो रजिस्टर्स का सेम होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्स का साइज जहाँ पर हम वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमें साइज का पता होना चाहिए कि हमारा किस साइज का डाटा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अगर आपने आप एक जो डाटा टाइप बाइट है वो आपकी 8 बिट अनसाइंड इंटीजर होती है, एस बाइट ये साइंड है, मीन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम देखेंगे कि बाइट की भी टाइप है, यानी कि बाइट एस बाइट, वर्ड एस वर्ड, डबल वर्ड एस डबल वर्ड, और फिर जो है एफ डबल एफ वर्ड, क्वाड डबल वर्ड, क्वाड वर्ड। तो ये डिफरेंट आप देख रहे हैं कि इसकी डाटा इंट्रासेनिक डाटा टाइप्स हैं, हम उनको वन बाय वन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बाइट जो है ये 8 बिट होती है, और एस बाइट ये साइंड जो है वो 8 बिट है, वर्ड ये 16 बिट अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और जो एस एस वर्ड है ये साइंड 16 बिट वैल्यूज हैं, इसमें आप सेव करवा सकते हैं। डबल वर्ड जो है ये 32 बिट अनसाइंड इंटीजर्स हैं, जिसमें आप कोई पॉइंटर्स वगैरह या फिर आपके पास कोई रियल एड्रेस मोड जो है वो भी आप इसमें वैल्यू सेव करवा सकते हैं। फिर एस डबल वर्ड 32 बिट साइन इंटीजर। तो ये मोस्टली जो स्टार्ट वाले हैं ये हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, बाइट एस बाइट, वर्ड एस वर्ड, डबल वर्ड और एस डबल वर्ड। तो ये डिपेंड करता है हमारे जो डाटा है उसका साइज क्या, उसके अकॉर्डिंगली हम ये डाटा टाइप जो है इंट्रासेनिक डाटा टाइप, इसका साइज सिलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रजिस्टर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर एफ वर्ड जो है ये आपका 48 बिट इंटीजर है, ठीक है। क्यू वर्ड 64 बिट इंटीजर है ये। तो अगर आपको 64 बिट इंटीजर की वैल्यू सेव करवानी है, तो उसके लिए आप जो डाटा टाइप यूज करेंगे वो क्यू वर्ड है। फिर टी बाइट है 80 बिट। फिर रियल 4 है, ये अगर आपने कोई रियल वैल्यूज हैं उनको, अच्छा रियल वैल्यूज अब आपने स्टोर करना है, रियल वैल्यू से मुराद ये है आपने डेसिमल पॉइंट वाली करवानी है, ठीक है। आपने कोई वैल्यूज जो है वो नेगेटिव भी हैं और डेसिमल वाली भी हैं, तो जितनी भी जो रियल वैल्यूज होती हैं उनकी, उनको सेव करवाने के लिए जो 32 बिट की या 4 बाइट में, उसके लिए है डाटा टाइप रियल 4। और रियल जो 8 है ये 64 बिट के लिए है, रियल 10 जो है ये आपकी 9 जो है वो हम देखते हैं कि लेगेसी डेटा डायरेक्टिव्स जो हैं, यानी कि हम शॉर्टली जो कुछ डेटा डायरेक्टिव्स जो हैं ये डायरेक्ट इस तरह से यूज करते हैं कि आपने DB सिंपल लिख लेते हैं, बजाय कि आप कंप्लीट जो है लिखने के। तो डेटा डायरेक्टिव्स जो हैं DB, ये हम अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू 8 बिट की स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप सिंपल DB वेरिएबल का जो डायरेक्टिव है वो DB भी लिख सकते हैं, कि वेरिएबल का नेम और आगे डायरेक्टिव बताएं कि उसका ऑब्जेक्टिव, अगर DB अगर आपने वहां पर लिखा हुआ है, इट्स मीन के आप 8 बिट का इंटीजर वैल्यू इसमें सेव कर सकते हैं। अगर आप DW लिखा है, इसमें मतलब आप 16 बिट उसमें वैल्यू सेव कर सकते हैं। DD सिंपल लिखा है, इट्स मीन के आप 32 बिट वैल्यू सेव कर सकते हैं। DQ लिखा है 64 बिट, और DT 80 बिट्स कर सकते हैं। तो ये हम शॉर्टली जो है ये भी यूज कर सकते हैं, बजाय ये कि हम कंप्लीट लिखें वर्ड डबल वर्ड एस वर्ड इस तरह से, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं
के डीबी डीडब्ल्यू डीडी डीक्यू और डीटी। स्टूडेंट्स क्लियर है ये? ओके, ये तो कुछ हमने डाटा टाइप्स देख ली जिनको हमने आगे फर्दर यूज करना है। अब यहाँ पर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपने इनको इनिशियलाइज करना है, डाटा डेफिनेशन को इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइजर से क्या मुराद है? एटलीस्ट वन इनिशियलाइजर इज रिक्वायर्ड इन अ डाटा डेफिनेशन इवन इफ इट इज अ जीरो। तो कहते हैं कि लाजमी तौर पर जब आप डाटा डेफिनेशन कह रहे हैं, डाटा डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, पहले नेम आता है वेरिएबल का, फिर उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका साइज आ जाता है, ठीक है कौन सी टाइप है, फिर आगे हम उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो लाजमी तौर पर किसी एक वैल्यू से या जीरो से हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, हम एम्प्टी नहीं रख सकते, ठीक है, इस तरह से जो हमारे डाटा डेफिनेशंस हैं। तो अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यूज को अगर आपने इनिशियलाइज करने हैं, लेट्स सपोज कि अगर आपने जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अरे को अरे टाइप जो है एक लिस्ट बनाई है, नंबर्स की लिस्ट है, नेम उसका लिस्ट है, साइज उसका बाइट है, मीन के 8 बिट्स जो हैं हर एक ये जो नंबर है इसके लिए 8 बिट्स रिजर्व होंगी, उसमें ये सेव होगी, 10 के लिए 8 बिट्स, 20 के लिए 8 बिट, 30 के लिए 8 बिट और 40 के लिए 8 बिट मेमोरी में रिजर्व होगी, एक लिस्ट बनेगी मेमोरी के अंदर, ठीक है, जहां पर ये वैल्यू सेव होंगी। तो अगर आपने फॉर इंटीजर डेटा टाइप, इनिशियलाइजर इज एन इंटीजर कॉन्स्टेंट आर एक्सप्रेशन मैचिंग द साइज ऑफ द वेरिएबल टाइप सच एज बाइट आर वर्ड। जैसे यहाँ पर अगर बाइट है तो 8 बिट्स में ही स्टोर हो जाएंगे, अगर वर्ड है तो यहाँ पर इनके लिए मेमोरी जो रिजर्व होगी वो फिर आपके पास जो है वो 16 बिट्स है। इफ यू प्रेफर टू लीव द वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड, अब ऐसा भी होता है कि आपने अक्सर प्रोग्रामिंग में ये करते भी हैं कि हम वेरिएबल्स जो हैं वो उनको डिक्लेयर करते हैं, इनिशियल जो है वो इनिशियलाइज नहीं करते, यूजर से जो है उसमें इनपुट लेनी हो या प्रोग्राम के प्रोग्राम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या रनिंग जो वैल्यूज हैं वो हमने वेरिएबल में स्टोर करवानी हो, तो उसके लिए फिर हम वेरिएबल को अनइनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो अनइनिशियलाइज अगर आपने वेरिएबल को करना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है, वेरिएबल का नेम, फिर डायरेक्टिव कि उसका वो उसकी कौन सी टाइप है, फिर आगे जो है वो आपने एक क्वेश्चन मार्क शो करेगा। ये जो सिंटैक्स है ये हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर किसी वेरिएबल को अनइनिशियलाइज करने के। अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है, आपने वेरिएबल जो है अनइनिशियलाइज करिए, तो वो यूजर से आप इसमें इनपुट सेव करवा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट कि वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। हम इनिशियलाइज अगर करना है तो वेरिएबल का नेम लिखें, उसकी टाइप बताएं और आगे वैल्यूज इनिशियलाइज कर दें। अगर आपने अन इनिशियलाइज करना है तो आपने फिर क्वेश्चन मार्क लिखना है। अगर नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी मूव की इंस्ट्रक्शन है, मूव की इंस्ट्रक्शन को हम देख लेते हैं कि डिफरेंट इसके जो इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, मूव इंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी रूल क्या है, जब हम मूव इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं तो उसके रूल क्या है। तो सिंपली मूव इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, मूव इंस्ट्रक्शन कॉपीज डाटा फ्रॉम सोर्स ऑपरेंड टू डेस्टिनेशन ऑपरेंड। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास मूव जो इंस्ट्रक्शन है वो हम किस तरह से लिखते हैं, एक मूव, फिर यहाँ पर कोई रजिस्टर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर कोई रजिस्टर या मेमोरी आ जाती है, तो आपके पास जो राइट साइड पे होगा वो आपका सोर्स होगा और जो लेफ्ट साइड पे है वो आपकी डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन में वैल्यूज जो है वो मूव होती है। तो नोन एज द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, इट इज यूजली अ वर्चुअली एवरी प्रोग्राम, के हर प्रोग्राम में हम मोस्टली जो है इस इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे होते हैं। तो इट बेसिक फॉर्मेट शो दैट द फर्स्ट ऑपरेंट इज द डेस्टिनेशन एंड द सेकेंड ऑपरेंट इज द सोर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास मूव के बाद जो फर्स्ट आप ऑपरेंट लिखते होते हैं वो आपका डेस्टिनेशन होगा, सेकेंड जो है वो सोर्स होगा, तो सोर्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वो डेस्टिनेशन में मूव होगी। तो इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन के जो कंटेंट हैं वो चेंज होंगे जब हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी होगी तो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन सोर्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो ऑपरेंट जो है उसके अनचेंज रहेगा। डेस्टिनेशन के जैसे जब हम वैल्यूज को मूव करवाएं तो डेस्टिनेशन के जो ऑपरेंड्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो चेंज होगी, ठीक है। तो हम इसके आगे नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि मूव इंस्ट्रक्शन जब आप यूज कर रहे हो तो आपने किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो मूव इज वेरी फ्लेक्सिबल इन इट्स यूज ऑफ द ऑपरेंड एज लॉन्ग एज द फॉलोइंग रूल्स। फर्स्ट रूल इसका ये है कि बोथ ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ द सेम साइज। इससे क्या मुराद है कि अगर आपने टू वेरिएबल्स हैं उनके उनमें जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको आपने एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए दोनों वेरिएबल्स का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। अगर आपने रजिस्टर और वेरिएबल के दरमियान में वैल्यूज को जो है वो मूव करवाना है तो उसके लिए दोनों जो रजिस्टर्स आप यूज करेंगे वो सेम साइज, अगर 8 बिट का रजिस्टर एक है दूसरा भी 8 बिट का होना चाहिए, अगर एक 16 बिट का है दूसरा भी 16 बिट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इसका रूल है, फर्स्ट रूल, आपने जब भी मूव इंस्ट्रक्शन यूज करनी है तो दोनों जो ऑपरेंड्स हैं उनका साइज सेम होना चाहिए।
सेकेंड रूल ये है कि बोथ ऑपरेंड्स कैन नॉट बी अ मेमरी ऑपरेंड, मीन के आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो कोई वेरिएबल्स हों। डायरेक्टली वेरिएबल्स में वैल्यूज जो है वो नहीं कर सकते, हमें लाजमी तौर पर एक रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम वैल्यूज हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो अगर आपने पहला रूल आपने ये देखा कि अगर दो ऑपरेंड्स जो हैं जिनमें वैल्यूज हैं वो आप मूव कर रहे हैं उनका सेम साइज होना चाहिए। सेकेंड, दोनों जो ऑपरेंड्स है वो मेमरी या वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। थर्ड ये है कि आप ये जो सेगमेंट रजिस्टर CS और पॉइंटर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं इनको हम डेस्टिनेशन ऑपरेंट नहीं ले सकते, यानी इनमें वैल्यूज जो है वो मूव नहीं करवा सकते हम कोड सेगमेंट के अंदर, और ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो हैं इनके अंदर हम वैल्यूज जो है वो मूव नहीं करवा सकते। तो ये इसका एक रूल है, इसकी लिमिटेशन है या इसका स्कोप है मूव इंस्ट्रक्शन का। एन इमीडिएट वैल्यू कैन नॉट बी मूव टू द सेगमेंट रजिस्टर, और सेगमेंट रजिस्टर के अंदर हम जो इमीडिएट वैल्यू है वो भी, यानी कि हम कोई वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है हम उन सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर मूव नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें अकोमोलेटर रजिस्टर इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करना पड़ेगा। जहां भी हमने वैल्यूज मूव करवानी है तो हम अकोमोलेटर रजिस्टर या डाटा रजिस्टर जो है ठीक है उनको यूज करेंगे। ये जो पॉइंटर रजिस्टर्स हैं इनमें वैल्यूज नहीं मूव करवाएंगे, और ये जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं इनमें वैल्यूज मूव नहीं करवाएंगे। तो रूल स्टूडेंट्स ये क्लियर हुए आपको मूव इंस्ट्रक्शन के? आपको अब इन रूल्स को माइंड में रखना है जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कि दोनों ऑपरेंड्स का साइज सेम होना चाहिए, दोनों ऑपरेंड्स जो है वो मेमोरी ऑपरेंड नहीं होने चाहिए, मीन के दोनों वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। और थर्ड जो है वो ये रूल है कि आपके पास आप इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स रजिस्टर्स और सेगमेंट रजिस्टर्स में वैल्यूज जो है वो मूव नहीं करवा सकते। ओके, नेक्स्ट जो है उसकी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। ये देखिए मूव रजिस्टर रजिस्टर ये आप कर सकते हैं कि रजिस्टर्स में दो जो रजिस्टर्स हैं उनके लिए वैल्यूज मूव करवा सकते हैं, लेकिन दोनों का जो साइज है वो क्या होना चाहिए सेम। अगर ये 16 बिट का है ये भी 16 बिट का, ये अगर आपके पास 8 बिट का है तो ये भी 8 बिट का रजिस्टर हो, तभी आप वैल्यू मूव करवा सकते हैं ठीक है। और फिर सेकेंड ये है कि एक मेमरी है दूसरा रजिस्टर, रजिस्टर से आप मेमरी में मूव करवा सकते हैं वैल्यू, और मेमरी से आप रजिस्टर में मूव करवा सकते हैं, लेकिन दोनों का साइज क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। मीन कि यहाँ वेरिएबल में कोई वैल्यू सेव है उसे आप रजिस्टर से रजिस्टर में मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। अब और क्या है, हम यहाँ पर दोनों मेमरीज के मूव करवा सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ मूव मेमरी मेमरी नो, क्योंकि डायरेक्टली मेमरी जो है उनमें अगर कोई वैल्यूज पड़ी है, मीन के दो वेरिएबल्स में वैल्यू पड़ी, वेरिएबल वन में वैल्यू पड़ी हुई है 5, वेरिएबल टू में वैल्यू पड़ी हुई है 3, तो हम इन दोनों की वैल्यूज को आपस में मूव नहीं करवा सकते, क्योंकि मेमरीज जो है उनके लिए हम देखेंगे रूल क्या होता है कि अगर आपने मेमोरीज को मूव करवाना है उसके लिए। अभी हम रूल देखते हैं फिर क्या है कि उसके लिए पहले आपको रजिस्टर में वैल्यू मूव करवानी पड़ेगी, फिर जो है आप उसको मेमोरी में मूव करवाएंगे। तो हम वो रूल देख लेते हैं, अगर मेमोरी टू मेमोरी अगर आपने वैल्यू मूव करवानी है तो उसके लिए मूव इंस्ट्रक्शन आप किस तरह से यूज करते हैं। तो अ सिंगल मूव इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी यूज टू मूव डाटा डायरेक्टली फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर, इंस्टेड यू मस्ट मूव द सोर्स ऑपरेंट वैल्यू टू अ रजिस्टर बिफोर मूविंग इट्स वैल्यू टू द मेमरी ऑपरेंड। कि आपने पहले सोर्स की वैल्यू को किसी रजिस्टर में मूव करवाना है, फिर उस रजिस्टर से वैल्यू जो है वो आप किसी सेकंड जो मेमरी ऑपरेंड है उसमें मूव करवाएंगे। तो ये रूल है कि जब आप चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं ठीक है और उनकी वैल्यू जो है वो मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली उन वेरिएबल्स की वैल्यू को मूव नहीं करवा सकते। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखें कि मैंने जो है वो डॉट डाटा में वेरिएबल्स, जब भी आपने वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे तो स्टूडेंट्स उसे आप डॉट डाटा जो हमारा सेगमेंट होता है असेंबली लैंग्वेज के कोड सेगमेंट, उसमें हम यहाँ पर डाटा को इनिशियलाइज करवाते हैं। तो वेरिएबल वन में इनिशियलाइज करवाया है वर्ड और अनइनिशियलाइज है ये, वेरिएबल टू जो है ये भी वर्ड अनइनिशियलाइज है। तो इन आप देख लेंगे दोनों का मैंने वेरिएबल्स का साइज जो है वो सेम रखा है वर्ड। अब इस यहाँ पर जो डॉट कोड है यहाँ पर मैं मूव करवा रहा हूँ मूव ax वेरिएबल वन, तो वेरिएबल वन में जो वैल्यू पड़ी होगी वो AX रजिस्टर जो अकोमोडेट रजिस्टर जो है स्टैंडर्ड अकोमोडेट। देखिए अब ये भी 16 बिट का है और वेरिएबल वन का साइज भी हमने वर्ड डिफाइन किया वो भी 16 बिट का है। तो जो पहला रूल था कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो रजिस्टर में मूव हो जाएगी, फिर हम मूव की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे कि रजिस्टर से फिर इस वेरिएबल टू के अंदर वैल्यूज है वो मूव करवाएंगे। तो स्टूडेंट आप भी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते दो वेरिएबल्स के दरमियान में मूव इंस्ट्रक्शन, इस तरह नहीं लिख सकते कि वेरिएबल वन मूव वेरिएबल टू, इस तरह से नहीं। पहले किसी एक रजिस्टर में वैल्यू मूव करवानी पड़ेगी, फिर उस रजिस्टर से वैल्यू जो है वो भी हम मूव करवा सकते हैं दूसरे वेरिएबल में, ये रूल है।
ठीक है। तो अब आपको मेमोरी जो मूव इंस्ट्रक्शन की जो मेमोरीज के दरमियान में हम वैल्यूज को मूव करवाते हैं उसका रूल अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके नेक्स्ट जो है वो जीरो और साइन एक्सटेंशन ऑफ इंटीजर्स है। जब आप इंटीजर्स वैल्यूज मूव करवाते हैं तो उसके उसमें जीरो और साइन एक्सटेंशन से क्या मुराद है। लेट्स सपोज कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस तरह से है कि जब हम रजिस्टर्स के दरमियान में वैल्यूज मूव करवाते हैं तो वो सेम साइज के होने चाहिए। रजिस्टर जो है वो हमारे सेम मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑपरेंड का साइज है वो सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अब आप ऐसा कह रहे हैं कि कॉपिंग स्मॉलर वैल्यूज टू अ लार्जर वंस, के स्मॉलर जो वैल्यू है वो आप लार्जर रजिस्टर्स के जो वैल्यू है उसमें मूव करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। मूव कैन नॉट डायरेक्टली कॉपी डाटा फ्रॉम अ स्मॉलर ऑपरेंड टू अ लार्ज वन, प्रोग्रामर्स कैन क्रिएट वर्क अराउंड। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज काउंट जो है वो आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, उस वो अनसाइन है मीन के वो पॉजिटिव है और उसकी बिट्स जो है वो 16 बिट्स हैं। अगर 16 बिट्स हैं मीन के आपने उसको उसका जो साइज है वो आपने वर्ड डिफाइन किया हुआ है। तो ये देखेंगे यहाँ पर काउंट वर्ड और इसमें हमने वन जो है वो सेव करवाया। मस्ट बी मूव टू ई सी एक्स 32 बिट, वी कैन सेट ई सी एक्स टू जीरो एंड मूव काउंट टू सी एक्स। अब देखें कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जो काउंट की वैल्यू है काउंट की वैल्यू काउंट का साइज जो है वो है वर्ड हमने डिफाइन किया है और उसमें कोई वैल्यू हम हमारे पास मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि काउंट की जो वैल्यू वन है ये सी एक्स काउंटर रजिस्टर जो है वो आपका जो है वो उसमें मूव हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप देख रहे हैं कि हमें पहले जो ई सी एक्स रजिस्टर है ठीक है उसको जीरो सेट करना पड़ेगा जो 32 बिट है, फिर जो है वो हम क्या करेंगे मूव कर सकेंगे इस काउंट की रजिस्टर की जो वैल्यू है सी एक्स के अंदर। तो इससे एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं जीरो एक्सटेंशन ऑफ इंटीजर्स, कि जब भी आपने आपने स्मॉल ऑपरेंड से वैल्यू लार्ज ऑपरेंड में करवानी है ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले इस जो उसका पार्ट है इसी एक्स पार्ट कोई भी जो उसका हाई पार्ट है उसको पहले जीरो करना पड़ेगा, फिर आप काउंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मूव करवा सकेंगे। क्लियर स्टूडेंट। फिर सेकंड हम देखते हैं कि साइन एक्सटेंशन क्या होती है इंटीजर्स की। इफ वी ट्राई टू सेम अप्रोच विद द साइन इंटीजर्स, लेट्स सपोज कि हम -16 को जो है वो मूव करवाना चाहते हैं। अब साइन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया उसका साइज मैंने बताया कि आपको पता है कि जब भी साइन वेरिएबल है तो अभी आज हमने देखा था कि उसके लिए हमें एस वर्ड यूज करना पड़ेगा -16, जब भी नेगेटिव अगर आपके पास कोई वैल्यू है उसके लिए हमें एस वर्ड जो है वो यहाँ पर हमने किया। जब एस वर्ड किया तो इसका हेक्साडेसिमल में जो साइज है वो ये है FF0H जो रिप्रेजेंट कर रहा है -16 को। अब हमने क्या करना है उसके लिए साइन एक्सटेंशन के लिए कि डॉट कोड यहाँ पर आपके पास जो अभी आपने रूल पढ़ा है कि पहले ECX रजिस्टर को जीरो कर दो, तो जीरो आपने मूव करवाना है उसमें तो जीरो आपने मूव करवा दिया ECX रजिस्टर में, फिर उसके बाद फिर आप मूव करवा सकते हैं ये साइन वैल्यू को CX रजिस्टर के अंदर। तो आपने ये वही रूल जो अभी पहले पढ़ा है कि हमें पहले ECX रजिस्टर को जीरो करना पड़ेगा फिर जो साइन वैल्यू है उसको मूव करवाना पड़ेगा। तो अगर आप साइन वैल्यू को मूव कराते हैं तो आप यहाँ पर देखें जब आपने जीरो मूव कर दिया था तो ये रजिस्टर जो है ये 8 बाइट्स हैं, तो इसके यहाँ पर आप देखें कि ये जो फर्स्ट बिट्स हैं ये तो आपकी यही -16 वैल्यूज होंगी और बाकी वैल्यू आपकी जीरो है क्योंकि आपने इसी एक्स रजिस्टर में जीरो मूव करवा दिया था। तो अगर आप इसको इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू बनती है, इस वैल्यू को काउंट करें तो ये वैल्यू बनती है +65520। तो ये हमने तो -16 मूव करवाया लेकिन ये जो इस वैल्यू जो है वो आपके पास कुछ और है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ इन ई सी एक्स +65520 इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम -16। ऑन द अदर हैंड इफ वी हैड फिल्ड ई सी एक्स वी, अब आप इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि हम बजाय ये कि जीरो से फिल करें, अगर पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन इंटीजर्स हैं तो उसके लिए तो आपको जीरो ही करना पड़ेगा, जीरो से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव साइन इंटीजर है तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा जो तमाम के तमाम बिट्स हैं उनको जो है वो हमें FF8 बिट्स जो हैं FF हेक्साडेसिमल्स के साथ फिल करना पड़ेगा, तब आपके पास जो ECX रजिस्टर होगा उसमें -16 पड़ा होगा। अब यहाँ देखें मैंने मूव करवाया ECX रजिस्टर में जीरो और बाकी जो 7 जो है FF इसके जो है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये मूव करवाने के बाद जब मैंने इस
अब मैंने जो जो साइन वैल्यू है उसको जब सी एक्स रजिस्टर में मूव करवाया, इस ECX का जो जो इसका हाफ पार्ट है सी एक्स रजिस्टर 8 बिट का, उसमें जब मूव करवाया तो अब आप देखें कि ये आपके पास सी एक्स रजिस्टर में ये वैल्यू पड़ी हुई है वही, तो ये -16 पड़ा होगा। ठीक है, तो इट्स मीन के जो आपके पास आप जब भी आपने मूव वो करना है पॉजिटिव वैल्यू तो उसके लिए 0 है, और जब आपने नेगेटिव वैल्यू को मूव करना है तो उसके लिए आपको ये हेक्साडेसिमल वैल्यू को पहले को मूव करवाना पड़ेगा रजिस्टर। तो ये हम मोस्टली बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर किसी ऐसे केस में हमें इस तरह से हो कि हमें मूव करवाना पड़े किसी स्मॉल रजिस्टर से बड़ी लार्जर रजिस्टर के अंदर वैल्यू को, उसके लिए फिर हमें इस तरह से वैल्यू को सेट करना पड़ता है। लेकिन आमतौर पर जब हम इंस्ट्रक्शन जो है यूजली जो है वो मूव के इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, तो हमें रजिस्टर का साइज सेम रखना चाहिए। ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट वे है कि बजाय ये कि हम पहले रजिस्टर्स की वैल्यू को इस तरह से सेट कर रहे हो और फिर इस तरह, ये एक साइन लैंग्वेज में वे बताया हुआ कि आप इस तरह से भी वैल्यू को मूव करवा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप देख रहे हैं कि पहले हमें ये वैल्यूज को पहले सेट करना पड़ता है उसके उस रजिस्टर के हाई रजिस्टर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर का रजिस्टर का स्टैंडर्ड रजिस्टर है उसको हम पहले सेट कर रहे हैं, फिर जो है वो हम मूव करवा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस तरह से मूव की इंस्ट्रक्शन की अगर हम टाइप की बात करें तो देर आर टू टाइप्स, एक मूव जी एक्स इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, और एक आपकी मूव एस एक्स इंस्ट्रक्शन है। तो पहले हम मूव जी एक्स इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो मूव जी एक्स इंस्ट्रक्शन मूव विद जीरो एक्सटेंड कॉपीज टू द कंटेंट ऑफ द सोर्स ऑपरेंट इनटू द डेस्टिनेशन ऑपरेंट। आपके पास सोर्स ऑपरेंट से डेस्टिनेशन ऑपरेंट में आप वैल्यूज मूव करवा रहे हैं, तो आप साथ में अगर लेट्स सपोज कि आपने ना मूव जी एक्स रजिस्टर 32 बिट, और इसमें आप जो है वो 8 बिट जो है 8 बिट मेमोरी हो या 8 बिट रजिस्टर है उसको हम 32 बिट रजिस्टर के अंदर मूव करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम बजाय ये कि वो अभी हमने देखा था ना कि हमें 0 सेट करने पड़ते हैं, तो हम मूव डायरेक्ट हम खुद से वैल्यूज उसके रजिस्टर्स की अपडेट करने के बजाय ये इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं मूव जी एक्स। तो वो क्या करेगा कि आपके 8 बिट में वो वैल्यू इसमें रखवा देगा, ठीक है, और बाकी जो है वो 0 सेट कर देगा। तो इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये देखें कि द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ 0 एक्सटेंड बाइनरी। अब ये बाइनरी वैल्यूज आपने लेट्स सपोज कि आपने ना ए एक्स रजिस्टर के अंदर आपके पास पड़ी हुई है, तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया बाइट वेल, उसका साइज बताया बाइट, और यहाँ पर आपने बाइनरी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर सेव की हुई हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मूव जी एक्स ए एक्स, तो होगा ये अब काम ए एक्स रजिस्टर का हमें पता है कि उसका साइज जो होता है ना वो 16 बिट्स होता है। अब बाइट वैल्यू जो है वो हमने बाइट डिफाइन की हुई है, मीन के ये 8 बिट है, तो 8 बिट जो है इसकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वही वैल्यू है 8 बिट में, वही वैल्यू जो पड़ी है राइट साइड पे, और बाकी आप बिट्स जो देख रहे हैं वो 0 0 सेट हुई है। क्लियर है, ऑटोमेटिकली फिर ये जो ना आपका जो मूव जी एक्स इंस्ट्रक्शन है ये उस रजिस्टर के अंदर जहां पर आपने स्मॉल वैल्यू इंसर्ट की होती है बाकी वैल्यूज जो है उसकी वो 0 सेट कर देगा। क्लियर है, तो जब भी आपने स्मॉल रजिस्टर से लार्ज रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाइट वैल्यू हमने बाइट बाइट उसका साइज है, हम उसकी वैल्यू को 16 बिट 8 बिट की वैल्यू को 16 बिट के वैल्यू के रजिस्टर में मूव करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम मूव जी एक्स इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं जो कि 8 बिट इसकी जो इसका लो पार्ट उसमें सेव करवा रहे हैं, हाई पार्ट बाकी जो है उसको वो 0 सेट कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली मूव जी एक्स इंस्ट्रक्शन इस तरह से वर्क कर रही होती है कि जब आपने ये हम तब यूज करते हैं जब आपने देखना हो कि आपने लो बिट वैल्यू जो है यानी कि साइज जिस वेरिएबल्स का हो या रजिस्टर का साइज कम है उससे वैल्यू जो है किसी हाई साइज के रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव करवा सकते हैं, तब आपने वहां पर ये इंस्ट्रक्शन यूज करनी है मूव जी एक्स। अब मूव एस एक्स ये साइन के लिए है, ठीक है, कि आपने 8 बिट वैल्यू को 32 बिट रजिस्टर में सेव करवाना है, 16 बिट वैल्यू को 32 बिट में सेव करवाना है, ठीक है, 8 बिट को 16 बिट के रजिस्टर में, तो आप देखें कम साइज के मेमोरी रजिस्टर को ज्यादा साइज के मेमोरी रजिस्टर में मूव करवाना है, तो उसके लिए हम साइन एक्सटेंडेड 16 बिट या 32 बिट की मूव एस एक्स इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। अब ये मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ कि अब लेट्स सपोज के बाइट वेल बाइट और यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है, और जब आप यहाँ करेंगे ना मूव एस एक्स इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो बाइट्स हैं, ठीक है, ये वो जो बाइट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये देखें वही सेव हैं, लेकिन बाकी बाइट्स इसने क्या की हैं, बाकी बाइट्स इसने 1 सेट की हैं।
तो बाकी पार्ट्स जो हैं वो इसने वन सेट किए हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने कोई जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसके लिए हम मूव, ठीक है, उसके लिए हम मूव ए एक्स इंस्ट्रक्शन जी एक्स इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, अगर कोई साइन वैल्यू है तो उसके लिए हम मूव एस एक्स इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो साइन में वो तमाम बिट्स को वन वन सेट कर देगा, और जो आपके पास जीरो इंस्ट्रक्शन उसमें तमाम बिट्स जो है वो जीरो सेट कर देगा। क्लियर स्टूडेंट? ये आपको पता चल गया, ये मूव की आपने देख लिया कि मूव इंस्ट्रक्शन पहले तो सिंपल थी ना, कि आप सिंपल वैल्यूज जो मेमोरी के अंदर वैल्यूज हैं किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, किस तरह से उनको मूव करवा रहे होते हैं। अगर आपने स्मॉल रजिस्टर से लार्ज रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव करवानी तो उसके कुछ रूल हमने देख लिया। अगर अगर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसके लिए जीरो इंस्ट्रक्शन यूज कर लें, अगर कोई साइन वैल्यू है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो साइन है उसके साथ नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, उसके लिए फिर आप मूव एस एक्स इंस्ट्रक्शन यूज कर लें। एस एक्स इंस्ट्रक्शन बाकी तमाम बिट्स को वन वन सेट कर देती है। जो आपके पास इंस्ट्रक्शन थी जी एक्स इंस्ट्रक्शन, वो बाकी बिट्स को जीरो सेट कर देती। अब LEHF और SAHF इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। LEHF इंस्ट्रक्शन मीन के लोड स्टेटस फ्लैग इनटू AH रजिस्टर। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर कौन कौन से थे? साइन, जीरो, एक्सिलरी, कैरी, पैरिटी और कैरी। ये डिफरेंट जब हम रजिस्टर्स के टाइप पढ़ी थी वहां पर स्टेटस फ्लैग देखे थे, ठीक है। तो इन इनकी जो इनको अगर आपने लोड करना है उसके लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने ना सेव फ्लैग बाइट्स, आपने जो है ना सेव फ्लैग का एक वेरिएबल बनाया और उसका साइज रखा बाइट, मीन की 8 बिट्स और अनइनिशियलाइज। तो हम जब ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे लोड एफ, तो ये क्या करेगा कि लोड कर देगा अकोमोडेटर रजिस्टर का जो हाई पार्ट है AH, उसके अंदर फ्लैग्स की वैल्यू, ठीक है। तो आपने वो लोड होगी उसको फिर आप इस वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, मूव AH सेव फ्लैग्स। तो इस सेव फ्लैग्स के अंदर जो है वो वैल्यू उस रजिस्टर की क्या हो जाएगी, वो सेव हो जाएगी। इस तरह से हम जो रजिस्टर्स हैं, ये डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, इनमें जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, इनकी जब वैल्यू सेट हुई है उसको अकोमोडेटर रजिस्टर में लोड करने के बाद किसी वेरिएबल में सेव करवा के आउटपुट करवा सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन समय लगी। फिर इसी तरह से स्टूडेंट SH इंस्ट्रक्शन है कि आपने AH रजिस्टर में, AH रजिस्टर से लेट्स सपोज कि आपने किसी वेरिएबल में स्टार्ट प्रोग्राम के स्टार्ट पे ना आपने ऐसा किया कि जो फ्लैग्स की वैल्यूज थी वो आपने सेव कर ली, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद दोबारा से फ्लैग्स की वैल्यू आप चाहते हैं कि उनको जो है वो सेट करें रजिस्टर्स के अंदर दोबारा से, वो उनको सेट करना, तो उसके लिए इस तरह से है कि आप पहले मूव सेव फ्लैग्स में जो वैल्यू पड़ी है उसको अकोमोडेटर रजिस्टर में मूव करवाएंगे, फिर आप SAHF की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, स्टोर स्टोर फ्लैग्स इन अकोमोडेटर रजिस्टर हाई पार्ट। तो अकोमोडेटर रजिस्टर जो हाई पार्ट है उसके अंदर आप जो है वो स्टोर करवा देंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन SAHF है, ये है कॉपी करना AH रजिस्टर से दोबारा रजिस्टर, बाकी तमाम जितने भी रजिस्टर में वैल्यू कॉपी करने के लिए। और जो आपके पास LEHF थी वो लोड करने के लिए थी कि आपने कैसे जो है वो रजिस्टर से वैल्यू को अकोमोडेटर रजिस्टर के AH पार्ट में लेके आना है और वहां से फिर उसको सेव फ्लैग रजिस्टर के अंदर लेके आना है, ठीक है। लास्ट वन वो हम एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि अगर आपने दो दो ऑपरेंड्स उनकी जो कंटेंट है इनमें उनकी जो वैल्यूज वगैरह पड़ी उनको आपने एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो एक्सचेंज की है। तो इस दो मेमोरी के रजिस्टर्स के में वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं, रजिस्टर से मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर, दो मेमोरीज में वैल्यू एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, ये यहाँ पर एग्जांपल शो की हुई है कि AX से BX में की हुई है, AL से AL में की हुई है, वेरिएबल वन से BX में और AX से EBX में की है। तो देखें साइज दोनों का सेम, वही जो मूव इंस्ट्रक्शन की रूल थे वही यहाँ पर है, साइज सेम होना चाहिए, दोनों रजिस्टर भी हो सकते हैं लेकिन दोनों मेमोरीज नहीं हो सकती। अगर दोनों मेमोरीज हैं तो पहले इसको किसी रजिस्टर में मूव कर रहे हैं फिर हम उनकी वैल्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं, कि वेरिएबल वन को हमने AX में मूव किया, वेरिएबल टू को हमने जो है वो फिर एक्सचेंज किया AX के साथ, और देन फिर जो है वो आप मूव कर रहे हैं वैल्यूज को। तो